आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि लगभग सारे देश का किसान आंदोलन के रास्ते पर है। तमिलनाडु से लेकर पंजाब, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश तक के किसान सड़कों पर हैं। जब तमिलनाडु के किसान दिल्ली वीआईपी इलाके में मई की आग उगलती दोपहरी में नंगे बदन तपती सड़क लौट रहे थे, तब सरकार ने ये सोचा भी न था कि किसानों की अनदेखी इतने बड़े आंदोलन के रूप में सामने आएगी। तमिलनाडु के किसान तो परेशान आए थे और परेशान ही लौट गए, मगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया और मध्य प्रदेश के किसानों पर पुलिस की गोली चली तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पर आ गए। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब हरियाणा से होता हुआ किसानों का आंदोलन राजस्थान और गुजरात तक जा पहुंचा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसान भी आंदोलन के रास्ते पर हैं। बिहार में किसान आंदोलन की भनक मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्रिय हो गए और आंदोलन शुरू होने से पहले ही किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुलझाने का भरोसा दिलाया। आज़ादी के बाद किसानों का इतना बड़ा आंदोलन पहले कभी देखने को नहीं मिला। इससे पहले राज्यों में अलग अलग वक्त पर बड़े किसान आंदोलन तो हुए, मगर एक साथ इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। हाल के दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और महाराष्ट्र में शरद जोशी बड़ा किसान आंदोलन खड़ा करने में कामयाब तो रहे, मगर उसे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ले जा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।